अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 16। लेट ए इक्वल्स टू 3 - 1/4 2। शो डैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन वर्स इक्वल्स टू 1/a डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स है, इसका हमने ए इनवर्स फाइंड करना है। और 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने का सेम वही प्रोसेस है जैसे 3x3 का किया था, लेकिन जहाँ पर एडजॉइंट आएगा वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। तो ए इनवर्स हमारे पास क्या है, 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -4 को -1 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास बन जाता है 10। अब एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाएगा, 2 और 3 की प्लेस चेंज कर दी जाएगी और -1 और 4 के साइन चेंज कर दिए जाएंगे। पुट इज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, हम इनकी वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/10 इंटू मैट्रिक्स 2, 1, -4, 3। अब क्या आ जाएगा, 2 × 1/10, 1 × 1/10, -4 × 1/10 एंड 3 × 1/10। तो हमारे पास इनवर्स क्या आ गया, 1/5, 1/10, -2/5, 3/10। ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का ए इनवर्स। और अब हमने इसका फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। अब जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाएगा तो क्या होगा, 1/5 × 3/10 -1/10 को मल्टीप्लाई कर लेंगे -2/5 के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाता है, 3/50 -(-)+2/50। तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5/50, 5 × 5, 5 × 10 = 50। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1/10। और हमने देखा था कि जब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया था तो हमारे पास आंसर क्या आया था, ए डिटर्मिनेंट का अगर आंसर देखा जाए तो हमारे पास क्या आया था, 10 आया था। अब 1/a डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ जाएगा, 1/10। हेंस प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, वेरीफाई डैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स इफ ए इक्वल्स टू 2, 3, 1, 0 एंड बी इक्वल्स टू -1, 1, 2, 3। अब हमारे ये प्रूफ करना है कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल है, यानी कि ए बी का जब होल इनवर्स लिया जाएगा तो हमारे पास किसकी इक्वल आएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो सबसे पहले ए बी होल इनवर्स फाइंड कर लेते हैं, वो हमारे पास क्या बन जाता है, 1/ab डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए बी। ए बी सबसे पहले फाइंड किया जाता है, ठीक है। ए बी कैसे फाइंड किया जाएगा, हमने दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करने, और मल्टीप्लाई करने का सेम वही रूल होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। जब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बन रहा है, -2 + 6, 2 + 9, -1 + 0 एंड 1 + 0। ए बी इक्वल्स टू 4, 11, -1, 1। अब ए बी इनवर्स फाइंड करना है, 1/ab डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, 4, 11, -1, 1। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, दरमियान में माइनस साइन, 11 को -1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, 4 × 1 -−+ 11 × 1 = 11, 4 + 11 हमारे पास ए बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का आंसर क्या आ गया, 15। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी कैसे फाइंड किया जाएगा, डायगनल्स की जगह चेंज कर दी जाएगी और जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर दिए जाएंगे। तो हमारे पास ए बी इनवर्स क्या बन जाता है, 1/15 -11/15, 1/15 और 4/15। अब राइट हैंड साइड में हमने बी इनवर्स फाइंड करने और ए इनवर्स फाइंड करने हैं। बी इनवर्स का हमारे पास आंसर आ जाता है -5। बी इनवर्स के लिए हमारे पास सेम वही होगा जैसे हमने ए इनवर्स के लिए फाइंड किया था, 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो बी इनवर्स के लिए भी यही होगा, 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। बी डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाएगा, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, -2 को 1 से, तो आंसर क्या आ गया, -5। एडजॉइंट ऑफ बी में हमने क्या करना है, डायगोनल्स की जगह चेंज कर देनी है और जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनकी साइन चेंज किए जाएंगे। तो हमारे पास कुछ ये फॉर्म बन जाती है, बी इनवर्स इक्वल्स टू 1/-5 (3 - 1, 2 - 1)। अब ए इनवर्स फाइंड किया जाएगा, ए इनवर्स के लिए हमारे पास क्या, 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और 3 को 1 के साथ, दरमियान में माइनस साइन पुट किया जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया है, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 - 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस। अब इसका एडजॉइंट फाइंड कर लिया, एडजॉइंट फाइंड करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास क्या आ रहा है, 1/-3 × 0 - 3 - 1, 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, अब देखा जाएगा कि मल्टीप्लाई करने का सेम वही रूल होगा, पहले बी इनवर्स की वैल्यू लिखी जाएगी फिर ए इनवर्स की।
वन इंटू वन वन हो जाएगा, थ्री और फाइव को मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये बन जाएगा फिफ्टीन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बाकी जो पीछे दो डिटर्मिनेंट बच जाते हैं यानी कि बी इनवर्स और ए इनवर्स की वैल्यूज़, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम थर्ड सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वन माइनस इलेवन वन फोर। तो वन आवर फिफ्टीन माइनस इलेवन एंड फिफ्टीन वन आवर फिफ्टीन फोर आवर फिफ्टीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, लेट ए इक्वल्स टू टू थ्री माइनस वन वन वेरीफाई डैट, हमने वेरीफाई करने ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स, यानी कि सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड करना है, वो किसकी इक्वल है वन आवर ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। वन आवर ए डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया फाइव आ गया और एडजॉइंट की वैल्यू क्या आ गई है वन माइनस थ्री वन टू। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में जब हम वैल्यूज पुट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इनवर्स इक्वल्स टू वन आवर फाइव माइनस थ्री आवर फाइव, वन आवर फाइव टू आवर फाइव, दोनों का हमने ट्रांसपोज ले लेना है। तो ट्रांसपोज लेने के बाद क्या होगा रोज जो होंगी वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाती है वन आवर फाइव माइनस थ्री आवर फाइव टू आवर फाइव। अब हमने राइट हैंड साइड ले लेनी है, राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमने ए का ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज में क्या होगा रोज जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी। जब ट्रांसपोज ले लिया गया तो अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है, टू को वन से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस वन को थ्री के साथ, तो आंसर क्या आ गया फाइव। अब इसका एडजॉइंट लिया जाएगा, एडजॉइंट में हमारे पास क्या है वन वन माइनस थ्री टू वैल्यूज पुट की गई हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है वन ओवर फाइव डिटर्मिनेंट वन वन माइनस थ्री सॉरी वन फाइव मैट्रिक्स फॉर्म में हमारे पास फर्स्ट रो है वन वन माइनस थ्री टू। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किस इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो इससे यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इनवर्स होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज होल इनवर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।